अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। सुबह हमने नाश्ता कर लिया और दिन को हम लोगों ने सोचा कि अब खाने में कुछ नहीं था, तो हमने सोचा कि फ्रूट्स वगैरह भी खा लेने चाहिए और साथ में आलू। तो दो आलू मैंने काट लिए और निकाल लिए और साथ में मैंने फ्रूट वगैरह भी सारा, एक माल्टा, दो सेब, दो अमरूद वगैरह भी मैंने निकाले और छुरी पेड़ भी। तो आप देखिए कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हम जो है दो आलू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम दो आलू निकालेंगे, उनको छील लेंगे, उनको स्लाइस में काट लेंगे और उसकी हम चिप्स बना लेंगे। और जो फ्रूट है उसको, माल्टे को भी मैं छील के खा लूँगी और जो देख हैं आपकी चिप्स मैंने बना लिए, साथ में रोटी थी और उसमें मैंने जो है चिप्स और साथ रोटी, और इसमें हम नमक और काली मिर्च वगैरह चिप्स भी डालेंगे। उसके साथ साथ ही हमने जो हमारा फ्रूट था उसको हम छोटे छोटे स्लाइस में काट लेंगे। और इस पर आप देख सकते हैं कि इसमें हमने काली मिर्च भी डाल ली और साथ में हम मिल्क पैक क्रीम जो है, स्ट्रॉबेरी वाली जो है मिल्क पैक क्रीम नेस्ले की, हम ये डालेंगे। इससे टेस्ट जो है बहुत ही मज़ेदार हो जाता है और इसमें फ्रूट चाट बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट अच्छे व्लॉग्स भी आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि सारी क्रीम हम इसके ऊपर पहले अच्छे से डाल लेंगे, थोड़ी सी शुगर भी हम इसके साथ डाल लेंगे और उसके बाद हम शुगर डालने के बाद इसको मिक्स इट वेल बहुत अच्छे से कर लेंगे। शाम को बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी तो मैंने एक समोसा, मैंने कुछ फोटो कॉपीज़ करवानी थी पेपर्स की, तो वो मैंने करवाई और साथ ही मैंने समोसा भी ले लिया रात खाने में। हमने आलू खा लिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।